दोस्तों आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं कि एक ऐसा बर्गर जिसपे सोने की परत चढ़ी हुई है और साथ ही एक ऐसी महिला के बारे में जानेंगे जो बिल्डिंग पर चढ़ी तो अपनी जान देने के लिए थी लेकिन छलांग लगाने के बाद भी उसकी जान नहीं गई। और दोस्तों उस बिल्डिंग की ऊंचाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे और जानेंगे एक ऐसा देश जहां पर रात को 10 बजे के बाद टॉयलेट जाना मना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं दिमाग को चकरा देने वाले टॉप 5 फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों सोचिए अगर आप 80 मंजिला बिल्डिंग से कूदेंगे तो आपका क्या हाल होगा। जाहिर सी बात है आप बचेंगे नहीं और ऑन द स्पॉट मौत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने वाले हैं जिसने एक बिल्डिंग के 80 मंजिला से नहीं 86 मंजिला से कूद लगाई और उसकी जान बच गई। जी हाँ दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों एक घटना है अमेरिका की जहाँ एक महिला अपनी जान देने के लिए बिल्डिंग पर चढ़ी हुई थी और वो बिल्डिंग था अमेरिका का फेमस एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। दोस्तों आपको बता दें कि इस बिल्डिंग में लगभग 102 फ्लोर हैं, जो कि इस बिल्डिंग को खास बनाती है। लेकिन दोस्तों अमेरिका की ये महिला इस बिल्डिंग में अचानक चढ़ी और इसके 86 फ्लोर से अपनी जान देने के लिए छलांग लगा दी। लेकिन दोस्तों बिल्डिंग की इतनी ऊंचाई होने के कारण तेज हवा ने उसे 85th फ्लोर में वापस भेज दिया और उस महिला का जान देने वाला कोशिश असफल रहा और उसकी जान बच गई। तो दोस्तों जब किस्मत साथ दे तो कुछ भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अभी मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ कि आप रात को कितने बजे सोते हैं? 9 बजे, 10 बजे? नहीं ये तो बहुत जल्दी हो गया, तो 11 बजे या 12 बजे? और कुछ लोग तो 1 बजे सोते हैं। और दोस्तों बीच में जगते हुए आपको सुसु भी बहुत आती है। लेकिन दोस्तों दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ रात को 10 बजे के बाद टॉयलेट जाना मना है। यहाँ दोस्तों तो आइए जानते हैं ऐसे देश के बारे में। दोस्तों स्विट्जरलैंड के बारे में कौन नहीं जानता, यहाँ की खूबसूरती लोगों को मनमोहित कर देती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड देश में एक ऐसा अनोखा नियम है कि वहाँ आप रात 10 बजे के बाद टॉयलेट नहीं जा सकते, क्योंकि दोस्तों 10 बजे के बाद किसी भी तरह की आवाज लोगों की नींद खराब कर सकती है और इन आवाजों में टॉयलेट फ्लश भी शामिल है। तो दोस्तों नियम तोड़ने पर आपको जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों सोचिए अगर ऐसा नियम हमारे देश में भी लागू हो जाए तो हमें कितना जल्दी सोना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों कैप्सूल टैबलेट आपने कभी ना कभी तो खाया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैप्सूल टैबलेट सिर्फ एक कलर के क्यों नहीं होते, ज्यादातर दो अलग अलग कलर के क्यों होते हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों ज्यादातर कैप्सूल को दो रंगों में बनाया जाता है क्योंकि कई लोगों को तो यह सिर्फ एक डिजाइन ही लगता है, लेकिन इसके पीछे भी एक उद्देश्य होता है। दोस्तों दरअसल कैप्सूल में दो भाग होते हैं, एक होता है कैप और दूसरा होता है कंटेनर। दोस्तों कंटेनर में दवाई रखी जाती है और कैप से उस कंटेनर को बंद किया जाता है। दोस्तों कंटेनर वाला भाग थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि इसमें दवाई रखी जाती है। और दोस्तों फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को कैप और कंटेनर की पहचान करने में कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए इन दोनों को अलग अलग रंग का बनाया जाता है जिससे कि उनके काम करने की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों इस समय आप जो फोटो में देख रहे हैं उसे आपने कभी ना कभी किसी न किसी जगह पर फैक्ट्री की छत पर ये चीजों को देखा ही होगा। दोस्तों दरअसल इसे विंड टर्बाइन वेंटिलेटर कहते हैं और दोस्तों इसका कोई इतना बड़ा काम तो नहीं होता, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों दरअसल कई फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग लिया जाता है और वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे कि वह काम करने वाले कर्मचारियों को काम करने में बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। इसलिए दोस्तों फैक्ट्री की छत पर यह विंड टर्बाइन वेंटिलेटर लगाए जाते हैं। दोस्तों इस टर्बाइन के चलने से गर्म हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है और यह उसे बाहर निकाल देती है जिससे कि फैक्ट्री के अंदर का तापमान ठीक रहे। दोस्तों ये टरबाइन सिर्फ फैक्ट्रियों में बस नहीं लगती, आजकल तो लोग अपने घरों में भी लगाना शुरू कर दिए हैं ताकि उनके घरों का तापमान ठंडा रह सके। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी बड़ा पाव खाया है? हमारे इंडिया में अलग अलग तरह के बड़ा पाव मिलते हैं और खासकर मुंबई का बड़ा पाव बहुत फेमस है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बड़ा पाव के बारे में आखिर क्यों बता रहा हूँ, तो दोस्तों बताने वाली बात ही ऐसी है। दोस्तों सोचिए एक नॉर्मल से बड़ा पाव में 22 कैरेट सोने की परत चढ़ी हो तो कैसा रहेगा, उसकी कीमत कितनी रहेगी? तो आइए जानते हैं।
दोस्तों दुनिया में पहली बार दुबई के कारामा में स्थित ओ पाव नाम के एक रेस्टोरेंट ने 22 कैरेट सोने की परत चढ़ा हुआ बड़ा पाव बेचना शुरू किया है। दोस्तों इसकी कीमत की बात करें तो करीब 2000 रुपए है। दोस्तों रेस्टोरेंट के अनुसार इसमें बड़ा को फ्रांस से आयात प्रीमियम क्वालिटी वाले 22 कैरेट सोने की परत में लपेटा गया है। इससे पहले दुबई में एक रेस्टोरेंट ने 24 कैरेट सोने के बर्गर लॉन्च किए थे। तो दोस्तों आप में से कौन सोने की परत चढ़ी हुई बड़ा पाव खाना चाहेगा, और क्या आपको लगता है कि इंडिया में भी ऐसा बड़ा पाव मिलना चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी तरह अनोखे और अलग अलग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि हम जब कभी भी अपना वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।